हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद शरीफ अगेन आपका वेलकम करता हूँ नोबल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो हमने इंग्लिश टेक्स्ट बुक के लॉस्ट स्प्रिंग की फर्स्ट पार्ट की समरी को अच्छे से समझा। इन दैट पार्ट अनीस जंग ने साहिब आलम के बारे में बात की थी, जो एक रैग पिकर था। इन दिस पार्ट अनीस जंग इज टॉकिंग अबाउट मुकेश, हु बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स। और फर्स्ट पार्ट की तरह इस पार्ट को भी हमने अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है टू मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड। और इस पार्ट को ऑथर ने टाइटल दिया है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। अब आप सोच रहे होंगे कि वॉट इज़ अ बिग डील इन ड्राइविंग अ कार इन टूडेज टाइम, लेकिन ये जो स्टोरी जिस लोकेशन को रिलेट करती है या जिन फैमिलीज को रिलेट करती है उसको ध्यान में लेते हुए इस टाइटल का एक अलग मीनिंग है, अलग एक मायने है। तो लेट्स सी हाउ द स्टोरी अनफोल्ड्स। ऑथर ने यहाँ पे मुकेश के बारे में बात की है जो फिरोजाबाद में रहते हैं। फिरोजाबाद इज अ स्मॉल टाउन ऑफ यूपी, जो वहाँ की बरसों पुरानी बेंगल मेकिंग और ग्लास मेकिंग इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही पॉपुलर है। और एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन दिस बेंगल मेकिंग, यानी वो उनका एक ट्रेडिशनल बिजनेस है। मतलब जनरेशन टू जनरेशन वहाँ के लोग इसी बिजनेस को करते आ रहे हैं। यू माइट बी थिंकिंग कि ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा, बट नो, ऑन द कॉन्ट्ररी इट इज़ वेरी डेंजरस बिजनेस, वेरी डेंजरस प्रोफेशन। और इलीगली छोटे बच्चों को वहाँ पे फोर्सफुली इसमें काम करवाया जाता है। एंड द वर्किंग कंडीशंस आर वेरी डेंजरस, डेंजरस इन द सेंस कि छोटे से कमरे में ग्लास की फर्नेस को बना करके सारा दिन वहाँ पर बच्चों से काम करवाया जाता है। और ये बच्चे जवान होने से पहले पहले तक काफ़ी बच्चे अपनी आई साइट को भी खो देते हैं। इतना ही नहीं, द लिविंग कंडीशंस आर ऑल्सो वेरी पैथेटिक। मतलब छोटी सी झुकी झोपड़ी में वो अपने सर्वाइवल के लिए पतरे के घर बना करके रह रहे हैं। ना वहाँ पे सही से पानी की कोई फैसिलिटी है, ना ड्रेनेज की फैसिलिटी है। और इनफैक्ट ऑथर ने ये भी कह दिया कि एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर को एग्जिस्टिंग इन दिस टाइप ऑफ लोकेलिटीज़। तो इस तरह की सिचुएशंस में रहते हुए लोग अपनी आप को सर्वाइव कर रहे हैं। एंड इस तरह और देर आर सो मेनी अदर चैलेंजेस, मीन्स ना उनके पास सही से खाना है, ना उनके पास प्रॉपर मनी या फाइनेंशियल कोई सपोर्ट है। एंड ऑल अदर चैलेंजेस के साथ में रहते हुए उन फैमिलीज़ ने इसको अपनी एक डेस्टिनी समझ लिया है। इन्होंने इसको अपना नसीब मानना स्टार्ट कर दिया है कि यही हमारा नसीब है। आगे चल के ऑथर हमें ये बताना चाह रहे हैं कि ये फैमिलीज़ लाइक मुकेश और जितनी भी अदर फैमिलीज़ हैं, उसने अब आगे ट्राई करना भी बंद कर दिया है अपने आप को इस कंडीशन से बाहर लाने के लिए। दे आर नॉट ट्राइंग, दे आर नॉट डूइंग एनी एफर्ट्स, कोई डेयरिंग्स भी नहीं कर रहे हैं वो लोग, और सारी उम्मीदें उन्होंने छोड़ दी हैं, दे हैव गिवन अप। और आगे जाके ऑथर हमें ये बता रहे हैं कि किस तरह से वहाँ की जो जवान बच्चियाँ हैं, छोटी बच्चियाँ, वो इस इंडस्ट्री में काम करते करते जवान होती हैं। और जब उन्हें सुबह की चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं तो दे डोंट नो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज बैंगल्स फॉर एन इंडियन वुमन, वो कितनी ऑस्पिशियस होती हैं उसका उन्हें कोई अंदाज़ा भी नहीं होता, और इसी सिचुएशन में वो बूढ़ी भी हो जाती हैं। एंड देन ऑथर, इतना ही नहीं, ऑथर हमको ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो पीपल हैं, ये जो लोग फिरोजाबाद में बेंगल मेकर्स हैं, वो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी सोशल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई कोऑपरेटिव्स भी नहीं बना सकते जिससे कि उनका कोई बिजनेस आगे इम्प्रूव हो सके या उनकी लाइफ में कोई दूसरे इम्प्रूवमेंट आ सके। उसका रीज़न है बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट, उन्हें अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिला है। और जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने सिर्फ लिप सर्विस की है, लेकिन उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उन्हें कोई प्रॉपर सपोर्ट आज तक नहीं मिला है। और इस तरह की सिचुएशंस में रहते रहते अभी की जो प्रेजेंट जनरेशन है, वो भी जिसने अभी तक अपने फादर्स को, फोर फादर्स को इसी एक विशेष वेब में और सिस्टम में उलझा हुआ पाया है, वो भी हिम्मत हार चुके हैं। उनके लिए एक सबसे बड़ा अचीवमेंट ऑथर ने ये बताया कि उनके सर पे छत है। दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट के दे आर हैविंग रूफ ऑन देयर हेड। और इतनी नेगेटिविटीज़ के बीच में भी ऑथर का ये कहना है कि देर इज़ अ रे ऑफ होप। वो आगे बात करते हैं मुकेश के बारे में, जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। मुकेश को ऑथर ने यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट बताया है। ही इज़ अ डिफरेंट बॉय, ही थिंक्स डिफरेंटली फ्रॉम ऑल दीज अदर गाइज। वो इस सिचुएशन से बाहर आना चाहता है, और उसके लिए उसने कुछ डेयरिंग की है अपने आप को इसमें से बाहर निकालने के लिए। वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, और इसके लिए उसने
गैरेज में जॉब भी ज्वाइन कर ली है। ऑथर जब उससे पूछते हैं कि ये जो गैरेज है वो इतना दूर है, तो ही सेज कि मैं वहाँ चल के जाने के लिए भी तैयार हूँ। और इस तरह की होपफुल नोट के साथ में ऑथर इस लेसन को यहाँ पे फिनिश करते हैं। तो मेनली दोस्तों इस लेसन में मेनली ऑथर ने हमको दो पॉइंट्स के बारे में बताया, एक चाइल्ड लेबर और एक ट्रेडिशनल बिजनेस, और दोनों ही किस तरह से हमारी जो यंग जनरेशन है उसको आगे बढ़ने के लिए एक चैलेंज बनते हैं, उसके ऊपर इन्होंने बहुत अच्छे से बात की है। ये लेसन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ इसको सीरियसली लीजिए। एंड इसके रिलेटेड जो भी नोट्स या एक्सप्लेनेशंस हैं वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको सही अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर नाउ, बाय।